कुलियलरई। स्नानघर में हम स्नान करते हैं या हाथ पैर धोते हैं। बाथटब। बाथटब एक बड़े कटोरे के समान होता है जिसके अंदर बैठकर हम स्नान कर सकते हैं। गीजर। गीजर की मदद से हमें नल से गर्म पानी मिलता है। शॉवर। स्नानघर में बारिश की तरह पानी आने के लिए शॉवर को लगाया जाता है। इसके उपयोग से हम स्नान करते हैं। तौलिया। तौलिया एक कपड़े का टुकड़ा होता है जिसका उपयोग करके हम स्नान के बाद अपने शरीर को पोंछ सकते हैं। हाथ पैर पोंछने के लिए भी इसका उपयोग होता है। टूथपेस्ट या दंत मंजन। टूथपेस्ट या दंत मंजन जड़ी बूटियां और अन्य रासायनिक पदार्थों का एक मिश्रण होता है। इसे एक नली में बंद किया जाता है। टूथब्रश। ब्रश पर टूथपेस्ट लगाकर हम अपने दांत मांजते हैं। साबुन। ये एक साबुन की टिकिया है जिसे पानी में भिगोकर हम अपने शरीर या कपड़े साफ करते हैं। दाढ़ी का साबुन या शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम से बहुत सारा झाग बनता है। इसका उपयोग करके हम दाढ़ी या मूंछों को काट सकते हैं। वेंटिलेटर। वेंटिलेटर एक हवा आने के लिए छोटा सा झरोखा होता है। इसे खिड़की के सबसे ऊपरी हिस्सों में लगाया जाता है। इससे कमरे में शुद्ध हवा आती है और अशुद्ध हवा बाहर फेंकी जाती है। नल। नल प्लास्टिक या धातु का बनाया होता है जिससे पानी आता है। சிறிது நேரம் ஓய்வெடுக்கலாம். இஸ் பிருத்வி பர் சபி பிராணி மாத்ராவோ கோ ஆராம் கி ஜரூரத் ஹை. ஆராம் கர்னே சே அப்னி கோயி ஹுயி உர்ஜா வாபஸ் மில்தி ஹை ஔர் சாரே தின் கா காம் ஹம் ஆசானி சே கர் சக்தே ஹை. வர்த்தமான் பத்ர. வர்த்தமான் பத்ர சே ஹம் துனியா மே சல் ரஹி சாரி கட்னாயே ஜான் சக்தே ஹை. மனோரஞ்சன் கே லியே பி இஸ்கா உபயோக் ஹோதா ஹை. मैगजीन या मासिक पत्रिका। मैगजीन या मासिक पत्रिका में दुनिया भर की अलग अलग विषयों की जानकारी होती है। मनोरंजन और ज्ञान के लिए ये एक बहुत अच्छा साधन है। टेलीविजन। टेलीविजन पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं या फिर फिल्में होती हैं। इससे हम अपना मनोरंजन करते हैं। रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल एक ऐसा तारहीन उपकरण होता है जिसकी मदद से हम कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चला सकते हैं, जैसे कि टेलीविजन, म्यूजिक प्लेयर या फिर वातानुकूलन यंत्र। म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसकी सहायता से आप अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हैं। संगीत हमारे मन को आनंद देता है तथा मनोरंजन भी करता है। सीडी। सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी पर तांत्रिक तरीके से किसी भी जानकारी को रखा जाता है। सीडी पर फिल्में, संगीत तथा अन्य प्रकार की जानकारी रखी जा सकती है। टेलीफोन या दूरभाष।
टेलीफोन या दूरभाष से हम हमारी आवाज दूसरे टेलीफोन धारी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। डीवीडी, डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी सीडी का ही एक आधुनिक रूप है। इस पर सीडी से भी अधिक मात्रा में जानकारी रखी जा सकती है। सीडी की तरह ही इस पर भी फिल्में, आवाज या अन्य जानकारी सुरक्षित रखी जाती है। मोबाइल फोन। मोबाइल फोन एक बिना तार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसका उपयोग टेलीफोन की तरह किया जाता है। अपनी आवाज रेडियो लहरी द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। ऐनक। जिन लोगों को कोई दृष्टि दोष होता है उनके लिए ऐनक एक उपयोगी साधन है। इसमें लगी हुई कांच उस व्यक्ति को ठीक तरह से पढ़ने या देखने में मदद करती है। तूंगुम नेरम। नींद सभी जीवित प्राणी मात्राओं के लिए आवश्यक है। अपने शरीर और मन को ताजा रखने के लिए हम सभी को नींद की जरूरत है। कॉमिक बुक या चित्र कथा। कॉमिक बुक या चित्रमय पुस्तिका। इस चित्रमय पुस्तिका में छोटी छोटी मनोरंजक कहानियां होती हैं। सोने से पहले हम इसे पढ़ सकते हैं। रूम फ्रेशनर। रूम फ्रेशनर एक छोटी सी बोतल होती है जिसमें सुगंधी द्रव भरा होता है। अपने कमरे में इसका उपयोग करने से हमें सुगंध और ताजगी मिलती है। फोटो स्टैंड। फोटो स्टैंड एक सजावट का सामान है जिसके अंदर फोटो रखे जाते हैं। फोटो स्टैंड लकड़ी या कांच का बना होता है। हम हमारे सोने के कमरे में हमेशा फोटो स्टैंड रखते हैं। बिजली का बटन। ये बिजली का उपकरण है। ये छोटे से आकार का होता है जिसे चालू या बंद किया जा सकता है। इसकी मदद से हम कमरे में पंखे या बत्तियां शुरू या बंद कर सकते हैं। सोने के पहले हम हमेशा बत्तियां बुझाते हैं या उन्हें बंद करते हैं। अलार्म घड़ी। अलार्म घड़ी ठीक समय पर एक मधुर संगीत बजाता है जिससे आप जान जाते हैं कि उठने का समय हो गया। अलार्म घड़ी हमारे शयन कक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु है। डायरी या दैनंदिनी। दैनंदिनी एक पुस्तिका होती है या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी हो सकता है। हम अपने रोज के सारे काम उसमें लिख सकते हैं और उन्हें याद रखते हैं। इसमें रोजाना जीवन की घटनाएं भी लिखी जा सकती हैं। खिलौने। बच्चों के लिए खिलौने बहुत ही आवश्यक हैं। खिलौनों से बच्चों को आनंद मिलता है। मच्छरों का बल्ला। बल्ले के आकार का ये उपकरण मच्छरों को मारने में मदद करता है। सोने के पहले हमें इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। पिगी बैंक या गुल्लक। पिगी बैंक या गुल्लक में हम पैसे डाल सकते हैं। इससे बच्चों को पैसे बचाने की आदत पड़ती है। वॉकमन। वॉकमन एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसका उपयोग करके हम चलते हुए संगीत सुन सकते हैं।